क्या आप जानते हैं भगवान शिव को त्रिपुरारी क्यों कहा जाता है? खैर, पद्म पुराण के अनुसार असुर तारका के तीन पुत्र थे, जिनका नाम तारकाक्ष, कमलाक्ष या वीर्यावन और विद्युन्माली था। स्कंद कार्तिकेय द्वारा अपने पिता की मृत्यु के बाद इन असुर राजकुमारों ने निर्माता भगवान ब्रह्मा की कठोर तपस्या की और अपार शक्ति का वरदान प्राप्त किया। ब्रह्मा ने उनसे प्रसन्न होकर उनमें से प्रत्येक को आकाश में घूमने वाला एक हवाई किला दिया, जो मयासुर द्वारा निर्मित सोने, चांदी और लोहे का था। यह स्वर्ग में सोने का, आकाश में चांदी का और पृथ्वी पर लोहे का किला था। दिया गया वरदान ऐसा था कि वे एक सहस्राब्दी तक शासन करेंगे और एक सहस्राब्दी में केवल एक बार सभी तीन किले एक साथ पंक्तिबद्ध होंगे और केवल एक तीर से नष्ट किया जा सकता है, जो एक साथ तीन किलों को नष्ट कर देगा और उन्हें आग लगा देगा। इस वरदान से लैस असुरों ने ब्रह्मांड पर कहर बरपाया। अपने हवाई शहरों में अच्छी तरह से जमे हुए असुरों ने देवताओं और ऋषियों पर हमले किए और उन्हें परेशान किया। अंततः देवता और ऋषि मुनि शिव के पास पहुंचे और इस खतरे को दूर करने में सहायता की गुहार लगाई। ये देखकर कि असुर पाप कर रहे हैं, शिव ने विभिन्न देवी देवताओं और ब्रह्मांड के घटकों के साथ एक धनुष, एक तीर और एक रथ बनाया। उनका रथ स्वयं पृथ्वी थी, उनके पहिए सूर्य और चंद्रमा थे, उनका धनुष मेरु पर्वत था और वासुकी उसकी प्रत्यंचा थी। ब्रह्मा को सारथी बनाकर वह तेजी से आगे बढ़ा और विष्णु का प्रतिनिधित्व करते हुए एक ही अग्निबाण चलाया। यह ब्रह्मांडीय तीर जो तीन शहरों को नष्ट करने वाला था। हालांकि शिव को तीर छोड़ने के अपने कृत्य पर तुरंत पछतावा हुआ, क्योंकि वह अपनी महान भक्त माया की रक्षा करना भूल गए थे। ये महसूस करते हुए नंदी ने तीर के आगे दौड़ लगाई और माया को आसन्न विनाश की सूचना दी। तुरंत माया वह त्रिपुरा से भाग गया। अपने द्वारा बनाए गए महान शहर को पीछे छोड़ते हुए, जिसे शिव के महान बाण से उसके निवासियों, असुरों सहित तुरंत राख में बदल दिया गया। त्रिपुरा के इस विनाश के कारण अंततः शिव को त्रिपुरांतक नाम दिया गया।